हे वेलकम बैक आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डी एस डॉक्टर मुखर्जी दिल्ली मेरे प्यारे बच्चे आज मैं आपको वो कैब पढ़ने का तरीका दे रहा हूँ इसके माध्यम से आपको अंग्रेजी बोलना लिखना सब आसान हो जाएगा आप बस इस वो कैब को शुरू से लास्ट तक बस देखो मैं कैसे पढ़ाना चाहता हूँ मैं देना क्या चाहता हूँ उसको बहुत बारीकी से आप देखो और आप देख करके हर चीज़ को सारे बुक एब्स जब आप देखोगे यहाँ पर आपको सारा बुक एब्स आएगा जब आप पढ़ने का तरीका सीख लोगे तो कहीं भी इसका यूज कर लोगे चाहे वो स्पीकिंग हो चाहे वो राइटिंग हो चाहे वो एग्ज़ाम हो चाहे सिनोनिम्स हो हर जगह यूज कर लोगे तो मैं जो आपको आज वो कैब कराऊँगा वो इस किताब से कराने वाला हूँ जिसमें हम मैं आपको कहानी के माध्यम से हर एक वो कैब सुनाऊँगा जैसे अब वर्ड है अफ्लिक्ट।, अफ्लिक्ट का मतलब पीड़ा देना अफ्लिक्ट कष्ट देना पीड़ा देना अब जैसे मान लेते हैं कि एक लड़का था उसे जॉब नहीं लगी थी तो नौकरी नहीं लगी थी तो उसे अंदर से पीड़ा था कष्ट था अफ़्लिक्ट था अफ़्लिक्ट का मतलब पीड़ा देना कष्ट देना उसको कष्ट हो रहा था पीड़ा हो रहा था अफ़्लिक्ट मतलब कष्ट पीड़ा दुख दर्द को अफ्लिट कहते हैं इसलिए वो नौकरी कन्फर्म करना चाहता था कन्फर्म का मतलब पक्का करना नौकरी कन्फर्म करना चाहता था नौकरी नहीं लगी थी तो अफ्लिक्ट था नौकरी कन्फर्म करना चाहता था तो कन्फर्म का मतलब पक्का करना नौकरी कन्फर्म करना चाहता था अश्योर करना चाहता था प्रूव करना चाहता था इसलिए अपने पिताजी से कन्फर्म लेने गया कन्फर्म का मतलब आज्ञा लेना पिताजी से कन्फर्म लेने गया आज्ञा लेने गया कन्फर्म कन्फर्म, कन्फर्म पक्का करना कन्फर्म, आज्ञा लेने गया कि पिताजी सरकारी जॉब तो लग नहीं रहा इसलिए कोई ना कोई प्राइवेट जॉब ही कन्फर्म कर लें इसलिए पिताजी से कन्फॉर्म लेने गया पिताजी सब चीज़ बर्दाश्त करेंगे लेकिन नौकरी तो सरकारी ही कन्फर्म चाहिए तो पिताजी से कन्फॉर्म लेने गया कन्फर्म कन्फर्म का मतलब पक्का करना पिताजी ने कहा जब तुमको यही काम करना था तो मेरे से पहले बोलता मैं मेरे दोस्त की कंपनी है, एक काम करो तुम तो रोड के हॉरिजॉन्टल चले जाओ हॉरिजॉन्टल मतलब समतल चले जाओ इस रोड के हॉरिजॉन्टल चले जाओ समतल चले जाओ मेरा एक मित्र है मैं उसे इम्प्लाई कर देता हूँ एम्प्लाई का मतलब सूचित करना मैं अपने मित्र को इम्प्लाई कर देता हूँ एम्प्लाई का मतलब सूचित करना मैं अपने मित्र को इम्प्लाई कर देता हूँ सूचित कर देता हूँ उसने मित्र को इम्प्लाई कर दिया कि मेरा एक पुत्र है जो किसी काम करें बेरोजगार है जा रहा है इसे नौकरी पे इसलिए मित्र को इंप्लाई किया तब तक जानते हैं घटना क्या घटी कि उस मित्र के यहां डकैती हो गई जहां फोन किया था ना उसके यहां चोरी हो गई डकैती हो गई बहुत भयानक डाका डल गया और डाका डल गया अब जब पहुंचा तो उस मित्र को पहले से आभास हो गया कि जरूर उसका पुत्र बेरोजगार है उसी ने हो ना हो चोरी करवाया हो उसने सारा आरोप उस पर इम्पोज कर दिया इम्पोज का मतलब होता है जबरदस्ती थोप देना इम्पोज करना जबरदस्ती लगा देना मन नहीं है सरकार टैक्स क्या करती है इम्पोज करती है टैक्स को इम्पोज करना मतलब जबरदस्ती थोप देना तो टैक्स क्या किया इम्पोज कर दिया टैक्स इम्पोज कर लगा दिया अब

दंड दिया लड़के का माइंड इंट्रिकेटेड हो गया इंट्रिकेट का मतलब होता है बिल्कुल ही पेचीदा हो गया इंट्रिकेटेड माइंड माइंड इंट्रिकेटेड हो गया उलझ गया उसका दिमाग इंट्रिकेटेड हो गया डिफिकल्टी में फंस गया परेशानी में फंस गया इंट्रिकेटेड हो गया उलझ गया राइट right? तो माइंड इंट्रिकेटेड हो गया माइंड उलझ गया अब क्या घटना घटा कि अब लड़के ने सोचा कि सब काम करूंगा लेकिन सरकारी नौकरी नहीं करूंगा अब जैसे ही मैं जेल से छुटूंगा मैं अपने पिताजी के साथ इरिगेट करूंगा इरिगेशन डिपार्टमेंट नाम सुना होगा इरिगेट का मतलब सिंचाई करना इस कहानी को गौर से सुनो मैं इरिगेट करूंगा सिंचाई करूंगा इरिगेशन मतलब सिंचाई इरिगेट करूंगा अब धीरे धीरे समय लैप्स होता जा रहा था समय बीत रहा था टाइम का लैपसिंग हो रहा था टाइम लैप्स हो रहा था इरीगेट करूंगा लैप्स टाइम हो, हो रहा है टाइम बीत रहा है धीरे धीरे तब समय बीत गया एक फावड़ा लिया अब फावड़ा लेकर के खेत में गया कुदाल चलाया एक बड़ा पत्थर से टकराया फावड़ा वो पत्थर निकाला तो ल्यूमिनियस पत्थर निकला ल्यूमिनियस मतलब चमकीला शाइनिंग पत्थर निकला चमकीला पत्थर निकला उसे निकाला तो बहुत बड़ा डायमंड था इतना बड़ा डायमंड निकला अब ल्यूमिनियस पत्थर निकला ल्यूमिनियस मतलब चमकीला ल्यूमिनियस चमकीला पत्थर अब उस लोग आस पास लोग मैलिस हो गए मैलिस मतलब द्वेष घृणा यानी लोग अंदर से जलन में हो गए कि उसके पास डायमंड आ गया अब तो एक ही से बोलेगा नहीं तो डायमंड आ गया अब लोग मैलिस हो गए द्वेष हो गए अब लोगों ने सोचा कि मैं मार्शल सामान कर मार्शल का मतलब युद्ध संबंधी यानी युद्ध संबंधी सामान खरीद करके मैं इसको डिफिट कर दूंगा तो मार्शल समान युद्ध समान खरीद लोगों ने मिसलैनियस कट्टा है कोई चाकू है कोई कुछ है लोगों ने मिसलेनियस प्रकार का भिन्न भिन्न प्रकार के सामान खरीदना शुरू कर दिया मिसलैनियस भिन्न भिन्न प्रकार के सामान खरीदना शुरू कर दिया अब उस लड़के का डिमांड ओवर हो गया ओवर डिमांड यानी बहुत बड़ा डिमांड उस लड़के का होना शुरू हो गया ओवरवेलमिंग डिमांड हो गया लोग पूछने लगे कहाँ से हो कहाँ से लाया क्या लड़का यार डायमंड कहां से लाया ओवरवेलमिंग डिमांड हो गया एक दिन का फेनो यह था फेनो का मतलब होता घटना एक दिन का फेनोमेनन यह था कि लोग प्रेजुडाइस हो रहे थे प्रेजुडाइस कहते हैं पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग पूर्वाग्रह में थे कि अमीर हो गया इसके पास डायमंड आ गया तो पूर्वाग्रह कहते हैं प्रेजुडाइस प्रेजुडाइस पूर्वाग्रह यानी पहले से मन बिठाए हैं कि खराब होगा पहले से बिठाए हैं कि अच्छा होगा प्रेजुडाइस अब लोग उसे सप्लीमेंट चाहता था लोग चाहता था कि डायमंड मुझे ही मिले सप्लीमेंट का मतलब होता है ऐड करना फ्री में मिलना इसलिए किसी को वो डायमंड दे नहीं रहा था उसने सरमाइज किया सरमाइज का मतलब होता है अनुमान लगाना उसने सरमाइज किया अनुमान लगाया कि लोगों को वर्टिकल वर्टिकल का मतलब लंब रूप वर्टिकल मतलब लंब खड़ा करके मैं कोड़े लगवा दूं तो कोई डायमंड मुझसे मांगेगा नहीं डायमंड को डिमांड नहीं करेगा ठीक है बच्चे अब इस तरह से कहानी पढ़ लिया आपने अब एक मेरे साथ वो कह बोलो बोलो अफ्लिक्ट का मतलब अफ्लिक्ट पीड़ा या दर्द कन्फर्म पक्का करना नौकरी कंफर्म करना चाहता पक्का करना कन्फॉर्म आज्ञा लेने गया मतलब, सूचित करना इंप्लाई बताना इंपोज थोपना इम्पोज थोप देना इनफ्लिक्ट दंड देना इंट्रीकेट उलझा हुआ इंट्रीकेटेड माइंड उलझ गया इरिगेट सिंचाई करना इरिगेशन डिपार्टमेंट है ना लैप्स समय कभी इतना समय गुजरना लैप्स लुमिनियस चमकीला लुमिनियस पत्थर चमकीला पत्थर मैलिस द्वेष मैलिस द्वेष मार्शल लड़ाकू मार्शल युद्ध संबंधी मिसलेनियस मिला हुआ मिसलेनियस मिश्रित प्रकार के ओवरवेल्मिंग डिमांड बहुत ज्यादा डिमांड फेनोमेनन घटना प्रेजुडाइस पूर्वाग्रह सप्लीमेंट जोड़ना सरमाइस अनुमान लगाना वर्टिकल लम्ब रूप तो आपने देखा पूरे वो कैब याद हो गया यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि अब आप तरीके से वो कैब करना चाहते हो हर दिन बढ़िया से पढ़ना चाहते हो तो अब दिल्ली दूर नहीं है दिल्ली आ करके आप ऑफलाइन क्लास भी कर सकते हैं इसके साथ साथ आप चाहो तो घर बैठ करके भी आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं बढ़िया से पढ़ सकते हैं पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में थैंक यू